हेलो भाइयों, मेरा नाम है शुभम जैन। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई मारुति सुजुकी के स्विफ्ट के बारे में। और भाई ये स्विफ्ट का VXI मॉडल है, बिल्कुल ही बीच का मॉडल, और भाई जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल भी है। तो भाई मैं सबको एक बार इसके अंदर वेरियंट्स बता देता हूँ। इसके अंदर टोटल भाई अपने कुल 4 वेरियंट्स आते हैं, LXI, VXI, ZXI और अपना सबसे टॉप ZXI प्लस। ZXI प्लस के साथ एक डुअल टोन का भी ऑप्शन आता है, बट आते टोटल इसके अंदर मेनली 4 वेरियंट्स ही है। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या कुछ मारुति जो है अपने VXI मॉडल में इसमें देती है और क्या इसकी प्राइसिंग है। तो अगर मैं अभी प्राइसिंग की बात करूं तो भाई मैं खड़ा हूं अभी मैजिक ऑटोज़ पे द्वारका सेक्टर 13 वाला। तो भाई एक शोरूम की अगर मैं बात करूं तो भाई ये पड़ती है 7,10,000 रुपये की, और अगर मैं ऑन रोड की बात करूं ऑन रोड दिल्ली के हिसाब से तो भाई ये पड़ती है 8,12,000 रुपये की। ये स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकता है, ठीक है। हट करते हैं अपना फ्रंट से, तो भाई फ्रंट में आ जाते हैं, ये हेडलैम्प हेलोजन का ही हेडलैम्प है, लोअर हाई के लिए एक ही बल्ब है, और ऊपर आता है अपना पार्किंग बल्ब, और साइड में आता है भाई अपना छोटा इंडिकेटर, हेलोजन का ही है भाई पूरा का पूरा सेटअप। भाई नीचे की अगर मैं बात करूँ तो भाई कोई फॉग लैम्प वगैरह कंपनी ने नहीं दे रखा। अब आ जाते हैं भाई ब्रीच की ग्रिल की बारी में बात करूँ तो भाई काफ़ी अपीलिंग और स्पोर्टी लगती है भाई, इसके कारण भी काफ़ी अच्छी एक स्विफ्ट की लुक्स निकल के आती है, ठीक है। तो भाई ये हो गया, बीच में एक क्रोम की पट्टी दे रखी है, और ऊपर आता है मारुति का लोगो अपना। तो भाई ये तो बात हो गई कुछ फ्रंट की, अब कुछ फ्रंट से। तो भाई अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में। साइड प्रोफाइल में VXI कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और अगर मैं व्हील्स की बात करूँ तो भाई ये आते हैं अपने व्हील कवर, जो एलॉय व्हील्स होते हैं भाई वो अपने ZXI वाले वेरियंट से आना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो भाई ये आते हैं R14 165/80, 165/ इसकी चौड़ाई है, 80 इसकी ये वाली प्रोफाइल है, और टोटल जो रेडियस है पूरे टायर का भाई वो है 14 इंच का, ठीक है। भाई टायरों के ऊपर अपने आते हैं भाई ये ORVMs, जो भाई एक अच्छी बात है कि जो साइटर्न इंडिकेटर है वो फेंडर की जगह कंपनी ने ORVMs पे ही दे रखा है। आपको भाई फोल्ड और अनफोल्ड तो अपने हाथ से ही करने पड़ेंगे, बट जो एडजस्ट है वो अपना अंदर से ही होता है, मतलब ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है, बट फोल्ड और अनफोल्ड नहीं है। भाई ये आती है इसकी बैक डोर की गेट ओपनिंग, तो भाई मतलब ये थोड़ी सी अलग वाली स्टाइल में कर रखी है मारुति ने इस वाली जनरेशन की जगह। तो भाई मेरे हिसाब से तो नीचे ही करना चाहिए था, क्योंकि भाई इससे जो अंदर जो बंदा बैठा हुआ होता है भाई पीछे वाली सीट पे उसको थोड़ा एरी टाइप कम लगता है, मतलब बाहर का व्यू इससे थोड़ा कम दिखता है। तो भाई ये तो बात हो गई कुछ साइड प्रोफाइल के बारे में, आप एक बारी फिर देख लो। बात हो गई कुछ इसके साइड प्रोफाइल के बारे में, अब चलते हैं भाई पीछे। तो भाई ये है कुछ बाइक बैक प्रोफाइल VXI वेरिएंट के बारे में। तो भाई अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो भाई काफ़ी अच्छी है और स्पोर्टी दिखती है भाई स्विफ्ट, अगर कहीं से भी देखो ना तो काफ़ी अच्छी और एक स्पोर्टीनेस आपको प्रोवाइड करती है स्विफ्ट। वो है भाई मारुति ने बेस मॉडल से लेके अपने टॉप मॉडल के अंदर हेडलाइट मतलब सॉरी टेल लाइट पीछे की सेम दर की है, LED वाली। भाई ये बहुत प्यारी लगती है जब रात में जलती है ना, ये सी टाइप में काफ़ी अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है रात के समय में, ये सी टाइप वाली लाइट है, ठीक है। ये कुछ ऐसे से आते हैं इसके टेल लैम्प, जो भाई ये वाली जो लाइट है भाई ये सी टाइप में अपनी जलती रहती है, जैसे ही आप अपनी भाई गाड़ी की लाइट्स वगैरह ऑन करते हो। ये अपने आते भाई ब्रेक लैम्प, ये अपना रिवर्स और साइड टर्न इंडिकेटर का। और अगर मैं बात और भाई कोई अपना जैसे पहले होता था कि यहाँ पे VXI ZXI या कौन सा भी आप वेरियंट लेते हो ना उसकी बैजिंग होती थी, अब वो भाई कंपनी ने रिमूव कर दिया, अब आपको सिर्फ स्विफ्ट और अपना मारुति का लोगो दिखा मिलेगा, ठीक है। और भाई ये पीछे अपने आते हैं 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर डिफॉगर, ना तो भाई रियर डिफॉगर, ना वाइपर, ना वॉशर भाई कंपनी ने दिया इस वाले मॉडल में। हाई अमाउंट स्टॉप लैम्प, ऊपर अपना एंटीना, ठीक है। अब भाई बूट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, और अगर भाई मैं बूट की बात करूँ तो भाई ये कुल 268 लीटर का इसके अंदर बूट आता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी जैक चपनी वगैरह कंपनी ने रख के दी है, ये कुछ इसका सस्पेंशन का हो गया, ये रहा इसका जैक, ठीक है। और अगर मैं स्पेयर टायर की बात करूँ तो भाई इसके अंदर स्पेयर टायर अपना आता है R14 का। तो भाई ये बात अच्छी है कि आपको कंपनी ने स्पेयर टायर भी सेम प्रोफाइल का ही दिया है, ठीक है। वैसे भी भाई कंपनी की आई छोटा करती है इसमें भी, क्योंकि ऑलरेडी भाई इस गाड़ी के टायर काफ़ी पतले हैं, ठीक है। तो भाई ये तो हो गया इसका कुछ बूट। अगर मैं बूट की बात करूँ तो थोड़ा डीप है, बट इतना भी ज़्यादा डीप नहीं है कि आपको रखने में परेशानी हो सामान, ठीक है। पार्सल ट्रे भी इस वाले वेरियंट से आपको स्टार्ट हो जाती है आना। तो भाई ये तो कुछ बात हो गई इसके बैक प्रोफाइल के बारे में। अब बात करते हैं भाई इसको अंदर से बैठ के, एक बार आप बैक प्रोफाइल की लुक ले लो। भाई ये तो बात हो गई इसके कुछ बैक प्रोफाइल के बारे में। और अगर मैं इसके फ्यूल लिट की बात करूँ तो भाई इसके अंदर कुल 42 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है। तो भाई ये तो कुछ हो गई बैक मतलब पूरी बाहर से बात हो गई, अब बात करते हैं भाई अंदर बैठ के।
तो भाई जैसे ही आप अपना, एक सेकेंड इसको बंद कर लेते हैं। तो भाई ऐसा सा कुछ इसका डोर दिखता है, ये पूरा अपना भाई सॉफ्ट पैडिंग दे रखी है कंपनी ने। ये अपना लॉक अनलॉक ऑल फोर पावर विंडो विद ड्राइवर अप एंड डाउन ऑटो, ये भाई अपना एडजस्ट करने के लिए ORVMs के लिए, ठीक है। और ये भाई क्रोम हैंडल दे रखा है अंदर से, जो एक प्रीमियम टच देता है गाड़ी को। और नीचे अपना आ जाता है भाई 1 लीटर की बोतल स्टोरेज और मैगजीन होल्डर, और साइड में अपना भाई ये स्पीकर, ऑल फोर स्पीकर है, कोई ट्विटर वीटर इसमें भाई नहीं आता, ठीक है। और अगर भाई मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो भाई कंपनी ने यहाँ पे ग्राफिक्स से दे रखे, जिससे काफ़ी स्पोर्टी और एक अच्छी फीलिंग। और तो भाई ये तो बात हो गई कुछ डोर की। या सीटों की अगर मैं बात करूँ तो भाई इसके अंदर हाइट एडजस्टेबल सीट कंपनी ने दे दिया VXI मॉडल में, और रिक्लाइनर तो भाई आपको शुरू से ही मिलता है, ठीक है। तो भाई अब एक बारी मैं आप सबको चाबी भी दिखा देता हूँ इस गाड़ी की कैसी दिखती है। तो भाई कुछ ऐसी सी आती है इसकी की, जो मतलब बहुत टाइम से ही आ रही है, मैं क्या ही बताऊँ। लॉक और अनलॉक के लिए, ठीक है, अभी जैसे डोर खुला हुआ इसलिए लॉक नहीं हुई, बाकी लॉक और अनलॉक के लिए यही की आती है। अब बात करते हैं भाई अंदर बैठ के अपनी, बाहर से तो बहुत बात हो गई। तो भाई यहाँ पे आता है इसका आइडल स्टार्ट स्टॉप का स्विच और ये हेडलाइट लेवलर, ठीक है, ये एसी वेंट्स को बंद और चलाने के लिए अपने, ठीक है। कोई सिल्वर एक्सेंट वगैरह कंपनी ने नहीं दे रखा, वो अगले वाले मॉडल से आना चालू होता है, या आप एक्सेसरीज में इसको लगवा सकते हैं, ठीक है। तो भाई ऐसा तो कुछ दिखता है मारुति सुजुकी के स्विफ्ट का VXI मॉडल का इंटीरियर। और भाई अगर मैं मीटर की बात करूँ ना, तो मेरा पर्सनल फेवरेट मीटर है भाई, काफ़ी अच्छा और स्पोर्टी मीटर लगता है भाई मारुति सुजुकी का स्विफ्ट का हमेशा से ही, ठीक है। ये अपना भाई RPM मीटर हो गया, ये स्पीडोमीटर हो गया, यहाँ पे ये डिस्टेंस टू एम्प्टी, और दिखा देता हूँ क्या क्या दिखाती है। डिस्टेंस टू एम्प्टी, रेंज, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, और भाई अपनी रेंज, और ये फ्यूल कितना भरा, और टाइम और टेम्परेचर वगैरह जब आप गाड़ी को चलाने लगते हो, ठीक है। ऊपर भाई अपने हेडलैम्प का, और जैसे अभी गाड़ी रिजर्व में है तो वो भी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई कुछ मीटर के बारे में। इसका अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ एडजस्टमेंट की, तो आपको भाई सिर्फ ऊपर नीचे वाला मतलब टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलेगा। इधर लेफ्ट साइड आ जाते अपने वाइपर के कंट्रोल, और राइट साइड आ जाते अपने सिर्फ हेडलाइट के कंट्रोल। कोई ऑटोमेटिक हेडलाइट ना ऑटोमेटिक वाइपर का ऑप्शन है, वो सिर्फ इसके टॉप मॉडल में आपको मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कंट्रोल्स की, तो भाई सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम्स के कंट्रोल दे रखे हैं और टेलीफोनी के, कोई क्रूज़ कंट्रोल और MID का नहीं दे रखा है। MID के लिए भाई आप यहीं से ही कर सकते हो अपना ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह, और आपको जो रेंज फ्यूल इकोनॉमी में दिखा रहा था भाई वो अपना यहाँ से हो जाती है, और यहीं से अपनी भाई इल्यूमिनेशन जो होती है अपने मीटर की वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो और स्टीयरिंग का मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं भाई इसके साइड में ये म्यूज़िक सिस्टम के बारे में। तो भाई ये देखने में ऐसा लगता है भाई बहुत ज़्यादा ग्लॉसी सा दे रखा है कंपनी ने, ऐसा लगेगा भाई टच है, बट भाई ये टच नहीं है, इसके सिर्फ जो बटन्स वगैरह वो ही टच है, ठीक है। और इसके अंदर भाई अपनी ब्लूटूथ FM AM वगैरह सब आपको मिल जाएगा। उसके नीचे आते हैं भाई अपना ये AC के कंट्रोल्स, ये अपना फ़ैन वैन को एडजस्ट करने के लिए, ये अपना मोड, और ये अपना गर्म या सर्दी के लिए, ठीक है, और AC ऑन ऑफ का स्विच, और ये रिसर्क्यूलेशन के लिए। उसके थोड़ा सा नीचे भाई अपने आते हैं 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट इधर वाली साइड, और इधर आता है अपना भाई USB और ऑक्स को ज्वाइन करने का बटन, वो मतलब स्विच, ठीक है। उसके नीचे थोड़ी भाई फ़ोन और बॉटल रखने की स्टोरेज, ठीक है। और ये आता है भाई अपना 5-speed का मैनुअल गियर बॉक्स, जो भाई अब देखना कॉस्ट कटिंग देखना भाई, ये देख रहे हो अब हल्का हल्का स्पेस है इनके बीच में, कोई एक जैसे ऊपर एक जैसे कंपनी अपने बाकी टॉप मॉडल में एक ऊपर एक फिल्म सी या मैं बोलूँ मिरर सा चढ़ा के देता है भाई, वो कुछ नहीं है, ये एक पतला सा ये देखो गड्ढा सा ये है, ठीक है। तो भाई ये तो आता है इसका कुछ 5-speed का मैनुअल गियर बॉक्स, और ये साइड में सिल्वर की ट्रीटमेंट जो अच्छा दिखता है। और उसके साइड में मतलब थोड़ा सा पीछे आता है भाई अपनी हैंड ब्रेक, कोई आर्म रेस्ट वगैरह आपको कंपनी ने नहीं दे रखा, और ये पीछे अपना बॉटल स्टोरेज पीछे वालों के लिए भी, ठीक है। और क्रोम टिप के साथ आती है अपनी हैंड ब्रेक। और भाई बात तो ये अपनी हैंड ब्रेक हो गई। अब मैं सीट के कुशनों की बात करूँ तो भाई काफ़ी कुशनी सीट है इस गाड़ी की, मतलब एक बात अच्छी है भाई मारुति की कोई सी भी गाड़ी लो आपको सीटें काफ़ी कुशनी और अच्छी मिलती है, ठीक है। तो भाई ये कुछ आता है इसका डैशबोर्ड, जो मुझे डैशबॉक्स जो काफ़ी बड़ा लग रहा है, और ये साइड में अपने भाई AC वेंट्स, और ये बीच में भाई अगर आप देख पाओ तो ये सिल्वर का पूरा एक एक्सेंट दे रखा है भाई कंपनी ने, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ भाई इसका इंटीरियर ऐसा सा दिखता है, ठीक है। ऊपर आ जाता है भाई अपना डे एंड नाइट का IRVM, ठीक है। और ये अपनी सेंटर लाइट जो हेलोजन में ही दे रखी है, और ये माइक के लिए लेफ्ट और राइट,
कोई इधर वैनिटी मिरर वगैरह नहीं दे रखा ड्राइवर पे, को पैसेंजर मतलब ड्राइवर पे नहीं दे रखा वैनिटी मिरर, को पैसेंजर पे दे रखा है वैनिटी मिरर, ठीक है। सेंटर पे आपको भाई कोई लाइट नहीं मिलेगी, वो इसके टॉप मॉडल और सेकंड टॉप मॉडल पे ही आने वाली है, ठीक है। तो भाई ये तो बात हो गई इसकी कुछ फ्रंट से, अब बात करते हैं एक बारी पीछे। एक सेकंड में आपको ये बताना भूल गया भाई, ये आते हैं इसका हजार्ड लैम्प का स्विच, ठीक है। और भाई ये इसके कुछ राउंड से एसी वेंट्स जो काफ़ी देखने में थोड़ी स्पोर्टी टाइप लाते हैं इंटीरियर के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं भाई पीछे बैठ के, नीचे से अगर मैं बात करूँ तो भाई डेड पेडल कुछ ज़्यादा ही फ्लैट है इस कार का, मतलब आपको पैर पूरा ही उठाना पड़ जाएगा अगर आपको वापस क्लच दबाना है, ठीक है। तो एक बारी भाई मैं सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करके फिर पीछे बैठ के बताता हूँ कितना स्पेस है और क्या है। भाई मारुति सुजुकी के स्विफ्ट का थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में डोर खोलने का है पीछे का, ठीक है। ये भाई कुछ अपनी सेफ्टी किट वगैरह दे रखी है और टूल किट। अब पीछे बैठते हैं एक बारी, पीछे के पहले मैं एक बारी सबको डोर दिखा देता हूँ। भाई पीछे का डोर पूरा ऐसा सा दिखता है, ठीक है। ये अपना क्रोम डोर हैंडल है और पीछे अपनी पावर विंडो का स्विच, और ये भाई अपना हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट प्लास्टिक नहीं है, वो सिर्फ आगे वाले सीटों मतलब आगे है, ठीक है। और नीचे आती है अपने भाई 1 लीटर बोतल स्टोरेज और अपने ये स्पीकर की ग्रिल, ठीक है। अब अंदर बैठ के बात करते हैं। तो भाई अगर मैं लेग रूम की बात करूँ तो लेग रूम आपको थोड़ा सा मिल जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो वो मुझे पर्सनली अच्छा लगा, काफ़ी है, ठीक है। और हेडरूम भी भाई हल्का सा ही अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके भाई ये हेडरूम आपने देख लिया भाई, ठीक है। और ये आते भाई इसके फिक्स्ड हेडरेस्ट, कोई ऐसे एडजस्टेबल वाला नहीं है भाई, वो इसके सिर्फ टॉप मॉडल में ही मिलता है, ठीक है। और ना कोई भाई सेंटर आर्मरेस्ट दे रखा कंपनी ने, पूरी भाई ये फ्लैट फोल्ड होती है। अगर पीछे से मैं बात करूँ 60-40 का कोई कंपनी ने ऑप्शन नहीं दे रखा, ठीक है। और ये अपना बीच में एक कप होल्डर भी दे रखा है जिसके अंदर आप अपनी बोतल वगैरह या कप वगैरह कोई रख सकते हो बीच में। और अगर मैं बम्प की बात करूँ तो भाई काफ़ी ज़्यादा ही है, मतलब अच्छी खासी हाइट का बम्प दे रखा है कंपनी ने बीच में। और अगर मैं बात करूँ तो भाई इसके अंदर कुल सिर्फ 2 जने हेल्दी से ही बैठ सकते हैं, और अगर पतले पतले बात करूँ तो भाई 3 बैठ सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो भाई ये तो बात हो गई भाई कुछ गाड़ी के अंदर और बाहर की। अब बात करते हैं भाई इसका बोनट खोल के। एक सेकेंड, भाई तो भाई अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो भाई ये आते हैं के सीरीज़ का 1.2 लीटर का इंजन जो प्रोड्यूस करता है 89 BHP की पावर एंड 114 Nm का टॉर्क, और ये डुअल VVT और डुअल जेट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं जो एक अच्छी बात है। और भाई कंपनी ने अंडर बॉडी कवर भी करके दिया है जिससे भाई इंजन प्रोटेक्टेड रहे जब भी आप बारिश या कीचड़ के टाइम पर ऐसे निकालो गाड़ी को, ठीक है। और ऊपर इंसुलेशन भी दे रखी है जिससे भाई जब आप गाड़ी को स्टार्ट करो तो आपको, वैसे भी भाई मारुति के इंजन जो है भाई वो काफ़ी साइलेंट ही रहते हैं, तो अगर कंपनी इंसुलेशन भी ना करके देती तब भी चल जाता, बट कंपनी ने इंसुलेशन करके दिया जिससे ये अल्ट्रा साइलेंट बन जाता है इंजन, ठीक है। तो भाई ये तो बात होगी इसके कुल VXI मॉडल के बारे में। तो बात होगी इसके कुल VXI पेट्रोल के बारे में। भाई ये जो VXI वाला मॉडल है इसी से ही आपकी भाई CNG भी चालू हो जाती है और ऑटोमेटिक वाला वेरियंट भी आने लग जाता है। तो और अब बात कर लेते हैं प्राइजिंग की। तो भाई ये अभी मैं खड़ा हूँ मैजिक ऑटो में, ठीक है, जो द्वारका सेक्टर 13 में पड़ता है मेट्रो के नीचे उतरते ही। तो भाई इसकी प्राइसिंग है कुल 8,12,000 रुपये की नेट। भाई ये स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकती है, बट अभी दिल्ली की तो यही प्राइसिंग है। सबसे ये है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, जस्ट बिकॉज भाई कंपनीज के अंदर जो भी भाई डे टू डे लाइफ में, या मैं बोलूँ आम आदमी को भाई जो भी मेन फीचर्स की ज़रूरत होती है, ऑल 4 पावर विंडो लॉक अनलॉक वगैरह वगैरह, भाई कंपनी सब करके दे रही है आपको, कोई भी चीज़ मतलब बाहर से लगवाने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो भी सिर्फ 8,12,000 रुपये में। तो भाई इसलिए ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट पूरी शिफ्ट की लाइनअप में। खत्म होता है आज का रिव्यू, धन्यवाद भाइयों यहाँ तक देखने के लिए। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो।